नोएडा के दादरी कस्बे में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक दरोगा की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भारी पुलिस बल लेकर एक बदमाश को पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन इस दौरान पुलिस पर बदमाश ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसकी चपेट में आकर दरोगा अख्तर अली की मौत हो गई। अख्तर अली 1998 बैच में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि 18 पुलिस वालों की टीम बदमाशों से मुकाबला करने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही बदमाशों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो सभी पुलिस वाले दरोगा को छोड़कर वहां से भाग गए। घटना हुई है, हमारे परिवार का एक सदस्य मारा गया है, पुलिस परिवार का, और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। अपेरेंटली इट इज अ केस जहां पुलिस भविष्य में आई थी और घुसते ही बर्स्ट फायर हुआ और उसकी डेथ हुई। इस पहलू को देखा जा रहा है।